देखिए बेटा, ये फाइंड आउट एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ब्लॉक्स शोन इन द फिगर। तो हमको ये अप्लाई करना है कि ये वाला फार्मूला और एक दूसरा जो हमने पढ़ा कि एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर कितना होता है, m1a1 + m2a2 इस तरह से चलता जाता है अपॉन टोटल मास। तो इनमें से दोनों में से किसी का भी यूज करके आप सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आप दोनों में से किसी का भी यूज करके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर इनका एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड पहला वाला मेथड लगा लेता हूँ मैं, फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ, क्योंकि एटवुड मशीन का बहुत अच्छी तरह याद होता है हमको एक्सलरेशन। तो a a = ab कितना हो जाएगा आपका, m1 - m2 / m1 + m2, m1 - m2g / m1 + m2। ये रटा हुआ होना चाहिए बेटा, टेंशन का फार्मूला भी है एटवुड मशीन का और एक्सलरेशन का भी, ये यूज हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है ना, ये दोनों आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। तो कितना आ रहा है, ma - mb आ गया, तो ये g/3 आ जाएगा बेटा, g/3, 2 kg और 1 kg रख देंगे। अभी एक तो नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लो, पॉजिटिव मान लिया आपने, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा आपका, m1a1 vector + m2a2 vector / m1 + m2। ये लगा रहा हूँ, तो आप लगा दीजिए इसमें 2 × g/3 -1 वाला ऊपर जा रहा है, g/3 / 2 + 1, इससे आपका कितना आ गया, g/9 आंसर आ गया। ये था जब आपने सिंपल काइनेमेटिक्स यूज कर ली। क्या आप एफ एक्सटर्नल से भी निकाल सकते हो क्या इसको, तो दोनों पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इस पर टेंशन लग रही है, इस पर भी टेंशन है, तो 2t तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए और जो ma + mb है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, टेंशन का फार्मूला याद है एटवुड मशीन है, क्योंकि आपको क्या होता है, 2 m1 m2g / m1 + m2 टेंशन होती है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4g/3 आ जाएगा, 2 × 1 4g/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कैसे निकाल रहे हैं, आप देखो इसमें आप कितनी आ रही है, ऊपर 2t आ रहा है, नीचे आपका वेट आ रहा है, तो वेट कितना आ रहा है, 2g + z। एफ एक्सटर्नल लिख रहा हूँ पहले मैं, ठीक है ना, मैं आपका पहले एफ एक्सटर्नल लिख देता हूँ, वही डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए। तो टेंशन ऊपर है, 2 × 4g/3, 2 × 4g/3, ये एफ एक्सटर्नल आ गया बेटा। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई, 3g - 8g/3 कितना आ गया, g/3 आ जाएगा, g/3। तो ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, टोटल मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया इससे, g/9 आपका एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है ना, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसलिए किसके बराबर आ जाएगा, g/9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे g/9 के बराबर एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो आप मेरे को बताइए बेटा, यहाँ तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इस दोनों मेथड को लेके। ओके बेटा, अब आप ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इसमें भी आपको जब इनको रिलीज किया है तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि इनका एक्सलरेशन की डायरेक्शन क्या है दोनों। ठीक है, g sin 45 है, स्मूथ सरफेस है, तो ठीक है स्मूथ सरफेस है, तो एक्सलरेशन की डायरेक्शन g sin 45 अलोंग द वेज हो जाएगी। तो एक इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में, बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आप ये a1 वेक्टर मान लो, ये a2 वेक्टर मान लो। मैग्नीट्यूड a1 = a2 = कितना है, g sin 45 डिग्री है, और ये कितना आ गया आपका, g/√2 मैग्नीट्यूड एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर, दो पार्टिकल सिस्टम है तो आप क्या लिखेंगे, m1a1 + m2a2 / m1 + m2 लिखते हैं। दोनों मास इक्वल दे रखे हैं तो इसलिए आपका कट जाएगा m, तो क्या बच जाएगा, a1 vector + a2 vector / 2। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो अब निकल ही जाएगी बेटा, ये दोनों है तो इससे 45 पर, मतलब ये वर्टिकल हो जाएगा बिल्कुल, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है ना a1 + a2 के, तो इनका सम जो होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, तो ये डायरेक्शन तो ये हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a1 + a2।
अब ये 90 डिग्री सेम मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, इतना फटाफट क्या लिख देंगे, रूट टू इंटू जी बाई रूट टू लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया है, जी बाई टू आ गया इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन किधर हो जाएगा, जी बाई टू इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख दीजिए उसको, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा इसका, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स से भी देख सकते हैं आप, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपके नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगी तो आप देख रहे हो सेम होंगी नॉर्मल रिएक्शन दोनों, क्योंकि मास सेम है, तो इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो हॉरिजेंटल नेट फोर्स 0 है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास कैसा मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से भी वही निकल के आ रहा है, तो चीज़ तो सेम आएगी आप कैसे भी देखें उसको, यहाँ तक किसी को कोई